उपचुनाव के रुझान आने शुरू हो गए। रुझान में दोनों गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अलग अलग जगहों से बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी ने सीधे तौर पर भाजपा को निशाने पर लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सल्फास खाने की नसीहत दे दी है। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी दावे कर रही है तीनों सीट पे अब जीत को लेकर, क्या लगता है कि एनडीए पिछड़ रहा है? नहीं, आरजेडी के लोगों को पेट पीरी है, वो पेट के पीरा में दवाई खोजते चल रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। आप चुनाव का पूरा मतगणना हो जाने दें, तीनों सीट एनडीए के पक्ष में जाएगा और ये लोग हाथ मलते रह जाएंगे। बिहार की जनता, उत्तम बिहार, सक्षम बिहार, पढ़ा लिखा बिहार के जो कदम उठाए एनडीए सरकार ने उसके साथ है और उसके परिणाम है, और उसका परिणाम यही होगा कि तीनों सीट एनडीए जीतेगी। आरजेडी बार बार दावा करिए कि डबल इंजन की जो सरकार लगी थी, डबल इंजन जो लगा था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। जो भभुआ में कांग्रेस उम्मीदवार बड़े ही पीछे चल रहे हैं, लेकिन दो सीटों पर पूरी तरीके से जीत के दावे किए जा रहे हैं। आपके जो जहानाबाद सीट है वहां तो आरजेडी बढ़त में है। देखिए, आरजेडी के साथ है कि उनका इंजन जेल में चला गया है, इसलिए उनका इंजन जो जेल में गया है तो वो सारे इंजन को समझते हैं फेल कर गया है। उनको दवा लेने की जरूरत है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की जरूरत है। जिस दिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, उस दिन एनडीए फोल्ड से बात करेंगे तो कोई बात बनेगी। ऐसे उनको कोई बात बनने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, डबल इंजन दौड़ेगा? डबल इंजन, इसमें कई इंजन है। ये जो फॉल्स डाटा पेश करने वाले, जो फॉल्स बात करने वाले हैं, उनको रौंदते हुए इंजन अपने मंजिल और मकाम तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे नॉल किशोर जी हैं, बीजेपी से एमएलसी। उनका कहना है कि जो डबल इंजन है वो रौंदते हुए आगे बढ़ेगी और तीनों उपचुनाव के जो तीनों सीट है उसमें जीत एनडीए की होगी। हालांकि जीत के पहले दावे सभी दल अपने अपने करते हुए दिख रहे हैं। देखना है कि आखिर चुनाव परिणाम के बाद किसके दावों पे मुहर लगती है।